मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई और सभी मन्नतें पूरी होने के लिए गुरु गोरक्षनाथ से कामना की। आपको बता दें कि श्रद्धालु प्रातः 3 बजे से ही गोरखनाथ मंदिर में लाइन लगाकर खिचड़ी चढ़ाने का इंतजार कर रहे थे तथा 4 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में उनके बारी के हिसाब से लाइन में आगे बढ़ने दिया गया तथा श्रद्धालुओं ने लाइन से मंदिर में पहुंचकर गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाया तथा उनका आशीर्वाद लिया। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वह प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं और वह प्रत्येक वर्ष प्रातः कालीन से ही गोरखनाथ मंदिर में लाइन लगाकर गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि खिचड़ी चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं गोरखनाथ बाबा पूरी करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा, राष्ट्र संत माता अरविंद आगे मंदिर के बाहर निकले, माता लक्ष्मी को पूरब तरफ बढ़ते हुए विष्णु भगवान का दर्शन करें, बाल देवी का दर्शन करें, छठ माता का दर्शन करें। अनेक प्रकार के मनोरंजन के दौरान लगे हुए हैं, आप वहां पूरा आता नहीं है। पश्चात सनातन धर्म करते हैं और साथ में अनुरोध करते हैं कि आज पर ही सुरक्षित स्थान पर सौंप करके आप मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करें। प्रवेश करते समय मेरा थाने के पास आपका इंतजार कर रही है, आकर अपनी बात से मिले। घनश्याम जी की औरत जो मुड़िया राजा सिद्धार्थ नगर से आई हुई है, अगर आपको हम एक के सामने भेजा जा रहा है जिन माताओं का है या वहां जाकर के ठोस प्रमाण दे। भगवान गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आप करने के लिए ऐसे जो है हॉस्पिटल होकर उनके अनुग्रह से अभी हो आगे बढ़े। गंगा माता की भारत मध्य एक 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 करता है, केवल एक लाइन में बनाए रखे समय समय पर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आए हुए किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। अपनी खिचड़ी की पोटली खोल करके रखें, जैसे आप भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के सम्मुख पहुंचते हैं आप वहीं पर अपनी श्रद्धा और विश्वास की खिचड़ी उनके चरणों में चढ़ाएं। परिक्रमा के मार्ग से नटराज जी का दर्शन करें, उसके बाद आगे बढ़ें, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का दर्शन, बाल देवी का दर्शन करें, शनि देवता की दर्शन करें, सुजा सहित नवग्रादि देवताओं का भी दर्शन करें और राम दरबार से हुए आप पीछे से आगे बढ़ें और
राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की समाधि पर दर्शन करें तथा बाबा ब्रह्मनाथ जी के समाधि का दर्शन करते हुए भीम सरोवर की तरफ आगे बढ़ें, भीम जी का दर्शन करें तथा पुनः सूर्य का दर्शन करें, छठ माता का दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ करके मेले में प्रवेश गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपनी खिचड़ी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसी हम साथ चले, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर खड़े हैं गंगा नगर, वे ही आपका पोता लगा रहे हैं, दर्शन करने के लिए आप आए हुए हैं। ऐसा आपके मन में भाव रहेगा तो कोई थकान नहीं, घबराए नहीं, धीरे धीरे ये आपके लिए व्यवस्था की गई है। प्रयास कर रहे हैं, आपके सेवक हैं हम लोग, आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हम लोग निवेदन कर रहे हैं। कहाँ भाई चाय वाय पी ली? अंशु काजल रेना काजल और रेना बैठे हुए हैं। आप अंजनी जहाँ भी हो हनुमान जी के मंदिर के पास आ जाइए, आपकी अम्मा इंतजार कर रही है। पांडे यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने से ये मान्यता है कि यहाँ पर काफी पुण्य प्राप्त होती है, साल भर हम लोग इस तरह करते हैं। भगवान के चरणों में खिचड़ी चढ़ा करके आज ये मानता है तभी तो आ रहा है। कितने दिनों से यहाँ पे आ रहा है, कितने साल कितने सालों से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने आते हैं? 25 साल से। क्या मान्यता है? थकान है लोगों का। क्या मान्यता है कि हर साल आप यहाँ पे आते हैं? मान्यता बहुत है खिचड़ी का, तभी हमने आते हैं चढ़ाने। कितने बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हैं आप? हम लोग तो आए हैं चार। आज आप यहाँ गोरखनाथ मंदिर में आई हैं, कितने सालों से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने आते हैं? पूरम से पहली बार और यहाँ आने में इतना अच्छा लगता है। कैसे सूचना मिली यहाँ पे कि खिचड़ी चढ़ाया जाता है? क्या मान्यता है? मान्यता बहुत पुरानी है और यहाँ मन्नतें पूरी होती है, इसलिए हम लोगों ने खिचड़ी चढ़ाया।